हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक रोचक जानकारी आपके लिए लाए हैं जिसका संबंध आज की तारीख से है। आज 5 नवंबर 2022 को निधन हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो इस भारत राष्ट्र के प्रथम मतदाता थे। आइए जानते हैं ये रोचक जानकारी कि किस तरह आज़ाद भारत में हुए पहले मतदान में वो प्रथम मतदाता बन गए। जुलाई 1917 को जिला कन्नौर के कल्पा में जन्मे श्याम शरण नेगी ने जब पहली बार अपने मत का प्रयोग किया था तो उस दौरान वह मूरंग स्कूल में अध्यापक थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले आम चुनाव फरवरी 1952 में होने थे, लेकिन किन्नौर में हिमपात को देखते हुए 5 माह पहले सितंबर 1951 में मतदान करवा दिया। नेगी की ड्यूटी भी चुनाव में लगी थी, लेकिन उनका मत कल्पा में था। वह सुबह ही पोलिंग बूथ पहुंच गए। करीब 6:15 बजे पोलिंग पार्टी वहां पहुंची तो नेगी ने अपनी ड्यूटी की बात कहकर मतदान कराने का आग्रह किया, जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया। मतदान करते ही नेगी का नाम देश के पहले मतदाता के तौर पर दर्ज हो गया। हिमालय में घर से मतदान करने के 2 दिन बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 105 वर्षीय श्याम शरण नेगी का शनिवार तड़के करीब 3 बजे निधन हो गया। उन्होंने कल्पा स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। नेगी कुछ दिन से अस्वस्थ थे। श्याम शरण नेगी ने अपने जीवन में 30 से ज़्यादा बार मतदान किया था। राजकीय सम्मान के साथ पोवारी में सतलुज नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। कई अधिकारी हजारों लोगों के साथ उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पुलिस ने हवाई फायर कर उन्हें सलामी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी उनके घर पहुँचे। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में भी वह पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण 2 नवंबर को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुबह जब दिल्ली से निकले तभी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी के निधन की दुखद खबर मिली। आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी, कृपया कर हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।